इस राउंड टू यानी फेज टू के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 10th का रिजल्ट जो है 30 अगस्त यानी कल आने वाला है दोपहर को 1 बजे। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा एटी केटी के एडमिशन शुरू हो जाएंगे और जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए उनके लिए भी एडमिशन शुरू होंगे। लेकिन एक दुख की बात यह है कि एडमिशन प्रोसेस बहुत ही लंबा चला गया है। जो एटी केटी के बच्चे हैं उनको अब पार्टिसिपेट करने के लिए डायरेक्ट 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को जो है चांस मिलेगा। तो ये क्या राउंड है FCFS, इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट लेना है, कौन कौन ले सकते हैं, ये पूरी डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, नहीं तो आपके जो डाउट है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस राउंड में वो सारे बच्चे एडमिशन ले पाएंगे जो मार्च या तो जुलाई में पास हो चुके हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चे जो एक या दो सब्जेक्ट में एटी केटी लेकर आए हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन सबका एडमिशन एक साथ नहीं होगा, इसके लिए तीन कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है 60% के ऊपर के सभी बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे, जिनका सबसे पहले एडमिशन FCFS राउंड में होगा। जो दूसरी कैटेगरी बनाई गई है वो है 35% के ऊपर सभी बच्चे जो पास हुए हैं मार्च या तो जुलाई एग्जाम में। और थर्ड कैटेगरी जो है वो एटी केटी स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड कैटेगरी में एटी केटी वाले बच्चे जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल है उनका एडमिशन होगा, जो कि 16 सितंबर को होने वाला है। तो किस तरह से होगा वो देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई बच्चे किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं बट वहाँ वो नहीं रहना चाहते, फिर से कोई दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो 31 अगस्त को उनके लिए 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में जो एडमिशन कैंसिलेशन की लिंक जो है वो शुरू रहेगी। 31 अगस्त को आप जाके अपने कॉलेज में अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं, अगर आपका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है वो आपको नहीं पसंद है तो उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद देख लीजिए, अब जो राउंड है वो स्टार्ट होगा 3 सितंबर से। 3 सितंबर से लेके 7 सितंबर, ये जो 4 दिन है, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन होगा जिन्होंने अपना फॉर्म आधा भरा है, या जिन्होंने पहले पार्ट वन भरा था, पार्ट टू ओपन नहीं हो रहा था, या जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन बुक नहीं खरीदी थी वे बच्चे अपना ऑनलाइन बुक गाइडेंस सेंटर से खरीद के पार्ट वन का फॉर्म भरेंगे। पार्ट वन का फॉर्म भरने के बाद 3 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में आपको गाइडेंस सेंटर पर अपने मार्कशीट को लेकर जाना होगा और अपना जो पार्ट वन अप्रूव कराना होगा, उसके बाद ही आपका पार्ट टू का फॉर्म ओपन होगा। इसके बाद 7 सितंबर को वैकेंसी लिस्ट आएगी, जो 6 सितंबर तक कॉलेज वाले अपनी सीट सरेंडर करेंगे, उसके बाद जितनी भी सीट्स बची है 7 सितंबर को शाम को 5 बजे ऑनलाइन वेबसाइट पर वैकेंसी लिस्ट आएगी। इसके बाद 9 सितंबर को सुबह 10 से 5 के बीच में 60% के ऊपर वाले जो फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हैं वो एडमिशन ले पाएंगे। 9 सितंबर को डायरेक्ट उनके लिए FCFS राउंड है। कॉलेज जो है वो दिखेंगे, आपको कॉलेज सर्च करना है, जिस कॉलेज में सीट है अगर आपको पसंद है तो आप वो डायरेक्ट बुक करेंगे और उसी दिन 9 तारीख को या 11 तारीख को जाके आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उसी दिन करना है। ये कोई 10 कॉलेज भर के जो लिस्ट लगती थी वैसा नहीं है, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है और जो कॉलेज आपको मिल गया उसमें पैसे भर के एडमिशन लेने हैं। जो 11 तारीख को शाम को 5 बजे वापस वैकेंसी लिस्ट आएगी सेकेंड कैटेगरी के लिए, और थर्ड कैटेगरी के लिए सॉरी सेकेंड कैटेगरी के लिए 13 सितंबर को, यानी कि 35% के ऊपर वालों के लिए 13 सितंबर को वापस से लिंक ओपन होगा सुबह 10 बजे। ये याद रखिए कि जो सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट करेगा वो कॉलेज उसका हो जाएगा और जो लेट सेलेक्ट करेगा उसको कॉलेज नहीं भी मिलने के चांसेस होंगे, इसलिए सुबह 10 बजे ही लॉग इन करना स्टार्ट करें। 13 सितंबर को जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा वो 13 और 14 2 दिन के बीच में जाके एडमिशन लेंगे। ये याद रखिए कि पहला दिन यानी 13 सितंबर आप 5 बजे के पहले जाना है, लेकिन 14 सितंबर को 1 बजे के पहले जाना है। ऑनलाइन लिंक बंद होने के बाद आपका एडमिशन नहीं मिलेगा। अब 14 सितंबर को फाइनल वैकेंसी लिस्ट आएगी थर्ड कैटेगरी के लिए। थर्ड कैटेगरी मतलब आपको पता है, जिसमें एटी केटी के सारे बच्चे आ जाएंगे और जो बच्चे पास थे लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं पाए थे वो भी जो है 16 सितंबर को थर्ड कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सुबह 10 बजे ही आपको लॉग इन कर देना चाहिए, जितना जल्दी आप सीट बुक करोगे उतना जल्दी आपका होगा। अगर आप लेट बुकिंग करते हैं, सीट फुल हो गई सब, तो आपको सीट मनचाहे कॉलेज में नहीं मिलेगी। 16 सितंबर को एटी केटी ध्यान
था कि एटी केटी वाले आपको डायरेक्ट 16 सितंबर तक का वेट करना होगा, और 16 सितंबर के पहले जो डेट थी रजिस्ट्रेशन की उसमें आपको गाइडेंस सेंटर जाके अपना पार्ट वन अप्रूवल करा ही लेना है। अगर आपने अप्रूवल नहीं कराया होगा पहले 3 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में, तो आपका जो पार्ट टू या जो पार्टिसिपेट का ऑप्शन 16 सितंबर को नहीं खुलेगा, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एटी केटी वाले भी 3 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में जाके गाइडेंस सेंटर से अपना फॉर्म का पार्ट वन अप्रूवल जरूर कराएं। 16 सितंबर को आप कॉलेज में के लिए पार्टिसिपेट करते हैं एफसीएफएस राउंड में, और अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तुरंत, तो 16 और 17 ये दो दिन के बीच में जाके आप उस कॉलेज में फीस भर के एडमिशन लेते हैं। इसके बाद 17 तारीख को फाइनल वैकेंसी आएगी, और हो सकता है इसके बाद भी कोई एक राउंड आए। अगर ये तो हुआ पूरा जो अब नया शेड्यूल आया है रिजल्ट आने के बाद, जैसे मैंने बताया था आज 29 अगस्त को आया हुआ है, इसमें सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बहुत से बच्चे वीडियो देखने के बाद भी कमेंट करते हैं बिकॉज वो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं। तो एटी केटी वाले बच्चे अभी तक रुके हुए थे, 16 सितंबर को आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, बट उसके पहले 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में पार्ट वन का जो अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया तो वो कर लेना है। अगर आपने पहले से किया है तो आपको गाइडेंस सेंटर में जाके अप्रूवल लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने ये अप्रूवल नहीं लिया होगा तो 16 तारीख को आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आप सभी को आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाए ऐसी मैं कामना करता हूँ, और ये फिलहाल आखिरी राउंड होने वाला है एफसीएफएस, ऐसा समझ कर चलिए। रेयर है कि ये इसके बाद भी कोई राउंड आएगा। आप सभी को अच्छा कॉलेज मिले ये बोल के मैं ये वीडियो फिनिश कर रहा हूँ, और अभी आप सभी को ऑल द बेस्ट।